हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आरजे नर्सिंग एकेडमी। फ्रेंड्स, आज बात करने वाले हैं स्टाफ नर्स क्यूज 23 के बारे में। तो इसमें एनक्लेक्स से रिलेटेड टोटली एनक्लेक्स क्वेश्चन है और प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन वाले क्वेश्चन है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इसमें टॉप 25 क्वेश्चन है, उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। द क्लाइंट इज रिसीविंग टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, विच लैब टेस्ट शुड बी इवैल्यूएटेड व्हाइल द क्लाइंट इज रिसीविंग टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। एक क्लाइंट है, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन रिसीव कर रहा है, तो कौन सा टेस्ट करना चाहिए जिससे अपने को पता लगेगा कि वो जो टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन है वो सही काम कर रहा है। ओके, तो ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, क्रिएटिनिन, ब्लड ग्लूकोज एंड वाइट ब्लड सेल। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ब्लड ग्लूकोज। ओके, तो फ्रेंड्स, टोटल पेरेंटल जो न्यूट्रिशन होता है उसके अंदर टोटली ग्लूकोज पाया जाता है, इसलिए इसमें ब्लड ग्लूकोज चेक किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। द क्लाइंट इज रिसीविंग पेरिटोनियल डायलिसिस, इफ द डायलिसिस रिटर्न क्लाउडी द नर्स शुड। एक पेशेंट है, वो पेरिटोनियल डायलिसिस रिसीव कर रहा है, उसके जो डायलिसिस होता है उसमें क्लाउडी कलर दिखाई दे रहा है, रिटर्न हो रहा है, तो नर्स शुड। ऑप्शन है डॉक्यूमेंट्स द फाइंडिंग, ऑप्शन बी सेंड ए स्पेसिमेन टू द लैब, स्ट्रेन द यूरिन एंड ऑब्टेन ए कंप्लीट ब्लड काउंट। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सेंड ए स्पेसिमेन टू ए लैब। जो स्पेसिमेन है उसको लैब के अंदर सेंड करना है, क्योंकि जो क्लाउडी कलर है वो एक इन्फेक्शन का कलर है, तो जो क्लाउडी कलर होता है वो इंडिकेट करता है पेरिटोनाइटिस को। ओके, और जो ब्राउन कलर होता है वो करता है बावल परफोरेशन को। और नेक्स्ट बात करते हैं, जो पाल येलो कलर होता है, पाल येलो कलर वो इंडिकेट करता है ब्लेडर परफोरेशन को। ओके, तो इसके तीन कलर है डायलिसिस के अंदर, तीन कलर दिखाई देते हैं एबनॉर्मल कलर, क्लाउडी कलर पेरिटोनाइटिस, ब्राउन कलर बावल परफोरेशन और पाल येलो कलर ब्लेडर परफोरेशन। तो ये तीन क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। द क्लाइंट विथ सीरोसिस ऑफ लीवर इज रिसीविंग लैक्टुलोज, द नर्स इज अवेयर दैट द रेशनल फॉर द ऑर्डर ऑफ लैक्टुलोज इज। एक क्लाइंट सीरोसिस ऑफ लीवर का, जो लैक्टुलोज रिसीव कर रहा है, तो द नर्स अवेयर, नर्स को पता होना चाहिए उसका रेशनल कि लैक्टुलोज ऑर्डर क्यों किया गया है। ओके, तो ऑप्शन है टू लोअर द ब्लड ग्लूकोज लेवल, नेक्स्ट टू लोअर द यूरिक एसिड लेवल, नेक्स्ट टू लोअर द अमोनिया लेवल्स एंड लास्ट इज टू लोअर द क्रिएटिनिन लेवल। तो जो लैक्टुलोज है सिरोसिस ऑफ लीवर का जो पेशेंट है उसके अंदर, ऑप्शन सी राइट है, टू लोअर द अमोनिया लेवल्स। ओके, तो ये अमोनिया को लेवल को डिक्रीज करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर। तो फ्रेंड्स, इसमें अगर कोई भी क्वेश्चन आपको अगर डाउट हो तो प्लीज़ उसको कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। ओके, और मैं अगर आपको रेशनल चाहिए तो मैं रेशनल भी आपको कमेंट्स बॉक्स में अपलोड कर दूंगा। ओके, जो भी क्वेश्चंस का आप में कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। विच ऑफ द फॉलोइंग रूममेट्स वुड बी बेस्ट फॉर द क्लाइंट न्यूली एडमिटेड विद गैस्ट्रिक रिसेक्शन। एक गैस्ट्रिक रिसेक्शन का पेशेंट है, वो एडमिट हुआ है अभी प्रेजेंट टाइम में, न्यूली एडमिट हुआ है, तो उसका कौन सा रूममेट अच्छा रहेगा। तो ऑप्शन है क्लाइंट विथ क्रोन्स डिजीज, क्लाइंट विथ न्यूमोनिया, एक क्लाइंट विथ गैस्ट्राइटिस एंड एक क्लाइंट विथ फ्लेबाइटिस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एक क्लाइंट विथ फ्लेबाइटिस। ओके, अब फ्लेबाइटिस वाले पेशेंट को इसका रूममेट क्यों बनाया है, तो इसका अपन रेशनल बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, फ्लेबाइटिस क्या होता है, फ्लेबाइटिस इज ए इन्फ्लामेशन ऑफ ब्लड वेसल्स,
फ्लेबाइटिस क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स। ओके, तो नोट इज ए नोट ए इन्फेक्शन, ये इन ब्लड वेसल्स का इन्फ्लामेशन है, एक इन्फेक्शन नहीं है, इसलिए इसको इसका रूममेट बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, द नर्स इज प्रिपेयरिंग ए क्लाइंट फॉर मेमोग्राफी। टू प्रिपेयर द क्लाइंट फॉर ए मेमोग्राम, द नर्स शुड टेल द क्लाइंट्स। एक नर्स है जो क्लाइंट को प्रिपेयर कर रही है मेमोग्राफी के लिए, टू प्रिपेयर द क्लाइंट फॉर मेमोग्राम। ओके, तो नर्स शुड टेल द क्लाइंट्स, तो नर्स क्लाइंट को क्या बताएगी? तो ऑप्शन आपके सामने चारों है, इसमें जो राइट आंसर है बी। ओके, टू ओमिट क्रीम पाउडर एंड डिओड्रेंट्स बिफोर द एग्जाम। ओके, ये राइट आंसर है। अब जो राइट आंसर है उसके बारे में बात करते हैं, टू रेस्ट्रिक्ट देयर फैट इनटेक वन वीक बिफोर टेस्ट, ये भी अपने को नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट है सी की बात करते हैं, द मेमोग्राफी रिप्लेस द नीड फॉर सेल्फ ब्रेस्ट, ये भी रॉन्ग। नेक्स्ट है डी, द मेमोग्राफी रिक्वायर ए हायर डोज ऑफ रेडिएशन देट एन एक्सरे, ये भी रॉन्ग होता है क्योंकि उसमें एक्सरे की जरूरत, ओके, हाई डोज की जरूरत रेडिएशन की नहीं पड़ती है। तो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच क्लाइंट कैन बेस्ट बी असाइंड टू ए न्यूली लाइसेंस प्रैक्टिस नर्स। एक न्यूली लाइसेंस प्रैक्टिस नर्स है, उसको कौन सा क्लाइंट बेस्ट असाइन रहेगा, कौन सा क्लाइंट उसको असाइन के लिए देना चाहिए? तो ऑप्शन आए, द क्लाइंट रिसीविंग कीमोथेरेपी, द क्लाइंट पोस्ट कोरोनरी बाईपास, द क्लाइंट विथ ए TURP, द क्लाइंट विथ डायवर्टिकुलाइटिस। ओके, तो इसका राइट आंसर भी यही है, ऑप्शन डी, द क्लाइंट विथ डायवर्टिकुलाइटिस। ओके, तो डायवर्टिकुलाइटिस होता है इन इन्फ्लामेशंस इन द वन और मोर स्मॉल पाउच इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ओके, तो ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है। ओके, तो इसके अंदर जो स्मॉल पाउच बन जाते हैं उनमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। ओके, इसको डायवर्टिकुलाइटिस कहा जाता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, द नर्स इज असाइंड टू ए केयर फॉर इन्फेंट्स विथ फिजियोलॉजिकल जॉइंडिस, विच एक्शन बाय द नर्स वुड फैसिलिटेट इलिमिनेशन ऑफ बिलिरुबिन। ऑप्शन है इनक्रीज द इन्फेंट फ्लूड इनटेक्स, मेंटेन द इन्फेंट्स बॉडी टेम्परेचर एट 98.6 डिग्री फारेनहाइट। नेक्स्ट है मिनिमाइजिंग टेक्टाइल स्टिमुलेशंस, एंड ऑप्शन डी, डिक्रीज कैलोरिक इनटेक। ओके, तो बिलिरुबिन को इलिमिनेशन करने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है ऑप्शन ए, इंक्रीज द इन्फेंट फ्लूड इनटेक। ओके, तो इन्फेंट के फ्लूड इनटेक को इंक्रीज करना है जिससे कि उसका बिलिरुबिन लेवल डिक्रीज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, द नर्स इज मेकिंग इनिशियल राउंड ऑन द क्लाइंट विथ C5 फ्रैक्चर्स एंड क्रश फील्ड टोंग। ओके, तो विच इक्विपमेंट शुड बी किप्ड एट द बेड साइड। एक नर्स है जो राउंड में है और उसको एक क्लाइंट है C5 फ्रैक्चर का जिसको क्रश फील्ड टोंग लगा हुआ है। ओके, तो विच इक्विपमेंट शुड बी किप्ड बेड साइड, कौन सा इक्विपमेंट्स उसके बेड के साइड में रखना जरूरी है? ए पेयर ऑफ फोर्सेप्स, ए टॉर्क व्रिंच, ए पेयर ऑफ वायर कटर्स एंड ए स्क्रू ड्राइवर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, टॉनिक व्रिंच। ओके, ये क्या होता है? ये होता है एक टॉनिक व्रिंच इज किप्ड एट द बेड साइड बिकॉज टू टाइट एंड लूज द स्क्रू ऑफ द क्रेस फील्ड टोंग। ओके, ये क्या होता है कि जैसे अपन बोलते पाना, ओके, इंस्ट्रूमेंट, जिससे जो अगर ये टाइट हो जाए क्रस फील्ड, या तो टाइट हो जाएगा या लूज हो जाएगा, तो उसको उसके स्क्रू को टाइट करने के लिए, लूज करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ओके, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है,
द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट्स विथ एपिलेप्सी विच हु इज बींग ट्रीटेड विथ कार्बोमेजापिन विथ विच लेबोरेटरी वैल्यू माइट इंडिकेट ए सीरियस साइड इफेक्ट ऑफ दिस ड्रग्स। तो कौन सी लेबोरेटरी वैल्यू है जो कार्बोमेजापिन का साइड इफेक्ट पर बताता है? ओके, तो यूरिक एसिड ऑफ 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, हीमेटोक्रिट्स ऑफ 33%, WBC काउंट 200 पर क्यूबिक मिलीमीटर्स एंड प्लेटलेट्स 150,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर्स। तो इसके अंदर यूरिक एसिड नॉर्मल है, हीमेटोक्रिट भी नॉर्मल है और जो प्लेटलेट्स काउंट्स है वो भी नॉर्मल है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, WBC काउंट पर 2000 पर क्यूबिक मिलीमीटर्स। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, ए क्लाइंट हैज रेक्टल कैंसर एंड इज शेड्यूल्ड फॉर ए एब्डोमिनल पेरिनियल से रिसेक्शन। एक क्लाइंट है जिसको रेक्टल कैंसर है और उसको शेड्यूल्ड किया गया है एब्डोमिनल पेरिनियल रिसेक्शन के लिए। तो व्हाट शुड द प्रायोरिटी नर्सिंग केयर ड्यूरिंग द पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड्स। ओके, तो कौन सी प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन रखना अपने को पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के बाद में? टीचिंग हाउ टू इरिगेट द इलियोस्टोमी, स्टॉपिंग इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस इन द इंसिजनल एरिया एंड एनक्रेज ए हाई फाइबर डाइट्स एंड लास्ट इज फैसिलिटेटिंग पेरिनियल वुंड ड्रेनेज। ओके, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, फैसिलिटेटिंग पेरिनियल वुंड ड्रेनेज। ओके, तो वुंड ड्रेनेज के लिए पेरिनियल वुंड ड्रेनेज इसको लगाना जरूरी है। ओके, तो राइट आंसर डी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट्स विथ लेरिंजियल कैंसर। एक पेशेंट है लेरिंजियल कैंसर का जिसकी एक नर्स केयर कर रही है। तो विच फाइंडिंग असर्टेनिंग इन द हेल्थ हिस्ट्री वुड नॉट बी कॉमन फॉर दिस डायग्नोसिस। कौन सी हेल्थ हिस्ट्री है जो इसके डायग्नोसिस से रिलेटेड नहीं है? फाउल ब्रीथ, डिस्फेजिया, डायरिया एंड क्रोनिक हिकअप। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डायरिया। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, द नर्स इज परफॉर्मिंग एन असेसमेंट ऑन ए क्लाइंट विथ पॉसिबल पर्निशियस एनीमिया। तो विच डाटा वुड सपोर्ट दिस डायग्नोसिस। तो कौन सा डाटा है जो इस डायग्नोसिस को सपोर्ट करता है? ऑप्शन है ए वेट लॉस ऑफ 10 pounds इन 2 weeks एंड ऑप्शन बी कंप्लेन ऑफ नमनेस एंड टिंगलिंग इन द एक्सट्रीमिटीज, ऑप्शन सी ए रेड बीफी टंग एंड ऑप्शन डी ए हीमोग्लोबिन लेवल ऑफ 12 grams पर डेसीलीटर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए रेड बीपी टंग। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, जिसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। ओके, ए क्लाइंट अराइव इन द इमरजेंसी रूम विथ ए पॉसिबल फ्रैक्चर फीमर। एक क्लाइंट इमरजेंसी के अंदर रूम के अंदर आता है, उसके अंदर फ्रैक्चर्ड फीमर है। ओके, पॉसिबल है। द नर्स शुड एंटिसिपेट एन ऑर्डर्स। तो नर्स क्या ऑर्डर एंटिसिपेट करेगी? ऑप्शन है ट्रेंडलनबर्ग पोजीशंस, आइस द एंटायर एक्सट्रीमिटीज, बक ट्रैक्शन एंड एन एब्डक्शन पिलो। तो ये चारों ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। एक क्लाइंट इज एडमिटेड टू ए एक्यूट केयर यूनिट्स, इनिशियल लेबोरेटरी वैल्यू रिवेल सीरम सोडियम ऑफ 170 मिलीक्यूलेंट पर लीटर्स, व्हाट बिहेवियर चेंज वुड बी मोस्ट कॉमन फॉर दिस क्लाइंट। एक क्लाइंट है एक्यूट केयर यूनिट के अंदर, उसको एडमिट किया गया है और उसकी जो लेबोरेटरी वैल्यू है वो बताया गया सीरम सोडियम 170 मिलीक्यूलेंट पर लीटर्स। तो उसके बिहेवियर में क्या चेंज आएगा? तो मोस्ट कॉमन दिस क्लाइंट्स, तो नॉर्मल सीरम सोडियम लेवल होता है 135 से 145 मिलीक्यूलेंट्स पर लीटर्स। ओके,
ये 170 मिलिकुलेंट्स पर लीटर्स। तो ऑप्शन है एंगर, मेनिया, डिप्रेशन एंड साइकोसिस। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, मेनिया। ओके, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया सीरम सोडियम लेवल, बहुत ज़्यादा होने की वजह से मेनिया में चला जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। द नर्स रिकॉग्नाइज दैट्स विच ऑफ द फॉलोइंग वुड्स बी मोस्ट एप्रोप्रिएट टू वियर वेन प्रोवाइडिंग डायरेक्ट केयर टू क्लाइंट्स विथ कफ। एक नर्स है जो एक पेशेंट है कफ का, उसकी केयर कर रही है डायरेक्ट। ओके, तो कौन सा मोस्ट एप्रोप्रिएट इक्विपमेंट्स उसको पहनना पड़ेगा केयर करने के लिए? तो ऑप्शन है मास्क, गाउन, ग्लव्स एंड शूज केयर कवर्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मास्क। ओके, एक कफ वाला पेशेंट है तो मास्क उसके लिए जरूरी है। ओके, नर्स के लिए मास्क जरूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ए क्लाइंट विथ पेटिस हैज बीन ट्रांसफर्ड टू ए इंटेंसिव केयर यूनिट्स। एक पेनक्रियाटाइटिस का पेशेंट है, उसको आईसीयू के अंदर ट्रांसफ़र किया गया है। तो विच ऑर्डर वो वुड द नर्स एंटिसिपेट्स, तो कौन सा ऑर्डर नर्स एंटिसिपेट करेगी? ब्लड प्रेशर्स एवरी 15 मिनट्स, इंसर्शन ऑफ ए लेविंस ट्यूब, कार्डिक मॉनिटरिंग्स, ड्रेसिंग चेंज टू टाइम्स पर डे। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, इंसर्शन ऑफ लेविंस ट्यूब्स। ओके, अब लेविंस ट्यूब्स क्या होती है? लेविंस ट्यूब इज ए टाइप ऑफ नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। ये एक नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब्स का एक टाइप होता है। इसमें क्या होता है, सिंगल ल्यूमेन भी होता है, स्मॉल बोर होता है, एनजी ट्यूब। ओके, इट्स मोर एप्रोप्रिएट फॉर ऑफ द मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन एंड न्यूट्रिशन। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच लेबोरेटरी टेस्ट वुड बी द लीस्ट इफेक्टिव इन मेकिंग द डायग्नोसिस ऑफ मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। ओके, तो लीस्ट सबसे कम यूज किया जाने वाला। ओके, लीस्ट इफेक्टिव, सबसे कम इफेक्टिव डायग्नोसिस जो इसके अंदर यूज नहीं किया जाता उसको, AST, ट्रोपोनिन, CKMB, मायोग्लोबिन। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, AST। ओके, क्योंकि ये मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन से रिलेटेड नहीं है। ट्रोपोनिन उससे रिलेटेड है, CKMB रिलेटेड है, मायोग्लोबिन उससे रिलेटेड है। ओके, तो लिस्ट इफेक्टिव यही हो गया, AST। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। द फर्स्ट एक्सरसाइज दैट शुड बी परफॉर्म्ड बाय द क्लाइंट हु हैज ए मास्टेक्टोमी इज। एक पेशेंट है, मास्टेक्टोमी परफॉर्म्ड हो चुकी है, तो उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज कौन सी रहने वाली है? वॉकिंग द हैंड्स अप द वॉल, स्वीपिंग द फ्लोर, कॉम्बिंग हर हेयर एंड स्क्वीजिंग ए बॉल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्क्वीजिंग ए बॉल। जो मास्टेक्टोमी वाला जो पेशेंट है जिसमें सर्जरी हो चुकी है, तो उसके लिए एक्सरसाइज है स्क्वीजिंग ए बॉल। ओके, स्क्वीजिंग ए बॉल। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। द क्लाइंट इज शेड्यूल्ड फॉर ए टेंसिलोन टेस्ट टू चेक मायस्थेनिया ग्रेविस। मायस्थेनिया ग्रेविस के लिए टेंसिलोन टेस्ट यूज किया जाता है। विच मेडिसिन शुड बी किप्ट अवेलेबल ड्यूरिंग टेस्ट। कौन सी मेडिसिन उस टेस्ट के दौरान उसके बेड के पास में रखी जाएगी? तो एट्रोपिन सल्फेट, फ्रुसामाइड, प्रोस्टिगमिन, प्रोमिथाजिन। ओके, तो ऑप्शन चारों में से इसका राइट आंसर है एट्रोपिन सल्फेट, क्योंकि जो टेंसिलोन होता है उसका एंटीडोट होता है एट्रोपिन सल्फेट्स। ओके, जब टेंसिलोन का लेवल बढ़ जाता है तो एट्रोपिन सल्फेट्स उसमें दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20।
एनश्योर सेफ्टी वाइल एडमिनिस्ट्रिंग ए नाइट्रोग्लिसरीन पैच द नर्स शुड वियर ग्लव्स सेव द एरिया वेयर द पैच विल बी अप्लाइड वॉश द एरिया थ्रोली विथ सोप एंड रिंस विथ हॉट वाटर अप्लाई द पैच टू द बटक्स। तो अपने को ऐसे पता चल गया नाइट्रोग्लिसरीन कैसे दी जाती है सबलिंगुअली। ओके तो सबलिंगुअली के लिए अप्लाई पेस्ट टू द बटक्स, बटक्स में भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। वॉश द एरिया थ्रोली विथ सोप एंड रिंस विथ हॉट वाटर से भी नहीं कर सकते। सेव द एरिया वेयर द पैच विल बी अप्लाइड, तो सबलिंगुअली में सेव करने की जरूरत नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो गया वियर ग्लव्स। ओके, ग्लव्स पहनकर ही उसको अप्लाई करना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। ए 25 ईयर ओल्ड मेल इज ब्रॉट टू द इमरजेंसी रूम विथ ए पीस ऑफ मेटल इन हिज आईज, विच एक्शन बाय द नर्स करेक्ट। कौन सा एक्शन नर्स करेगी जो करेक्ट है। यूज ए मैग्नेट्स टू रिमूव द ऑब्जेक्ट, रिंस द आई थ्रोली विथ सेलाइन, कवर बोथ आई विथ पेपर कप्स एंड पेस द अफेक्टेड आई ओनली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कवर बोथ आई विथ पेपर कप। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, द सिजोफ्रेनिक क्लाइंट हैज बिकम डिसरप्टिव एंड रिक्वायर सेक्लूजन, विच स्टाफ मेंबर कैन इंस्टीट्यूट सेक्लूजन। द सिक्योरिटी गार्ड्स, द रजिस्टर्ड नर्स, द लाइसेंस प्रैक्टिस नर्स, प्रैक्टिकल नर्स एंड द नर्सिंग असिस्टेंट्स। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, रजिस्टर्ड नर्स। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23, जिसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। अगर फ्रेंड्स इसका आंसर अगर आपको प्रॉब्लम हो तो फिर भी कमेंट्स बॉक्स में उस कमेंट्स करना है, मैं उसका राइट आंसर आपको बताऊँगा। द क्लाइंट इज एडमिटेड विथ क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, एक क्लाइंट है COPD का। ओके, ब्लड गैसेस रिवेल PS 7.36, CO2 45, ऑक्सीजन 84, SCO3 28। द नर्स वुड असेस द क्लाइंट टू बी, तो ये वैल्यू अपने को दी गई है और इससे अपने को निकालना है ऑब्स्ट्रक्टिव जो ये एबनॉर्मलिटी है उसके बारे में अपने को बताना है। तो ऑप्शन है अनकम्पनसेटेड एसिडोसिस, कम्पनसेटेड एल्केलोसिस, कम्पनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, अनकम्पनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ओके, तो इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट ऑपरेटिव डाइट्स इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द क्लाइंट हु हैड ए हेम्ब्रेडेक्टोमी। कौन सी डाइट पोस्ट ऑपरेटिव डाइट सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट है एक क्लाइंट के लिए जो कि हेम्ब्रेडेक्टोमी का पेशेंट है। ओके, हाई फाइबर डाइट्स, लो रेसिडुअल डाइट्स, ब्लेंड डाइट एंड क्लियर लिक्विड डाइट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्लियर लिक्विड्स डाइट्स। ओके, अब नेक्स्ट बात है करते हैं क्वेश्चन नंबर 25, जिसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। ओके, तीन क्वेश्चंस हो गए आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 23 एंड क्वेश्चन नंबर 25, ये तीनों क्वेश्चंस का आंसर आपको बताना है। तो द क्वेश्चन है द फिजिशियन हैज ऑर्डर ए कल्चर फॉर द क्लाइंट विथ सस्पेक्टेड गोनोरिया। ओके, द नर्स शुड ऑब्टेन विच टाइप ऑफ कल्चर, ब्लड, नेजोफेरिंजियल सिक्रेशन, स्टूल एंड जेनाइटल सिक्रेशन। तो कौन सा इसके लिए सस्पेक्टेड है, कौन सा इसके लिए कल्चर के लिए ऑर्डर करना है, तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। ओके, तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।